कहाँ कहाँ से कितनी दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ सर हम डेढ़ घंटे से यहाँ परेशान हो रहे हैं यहाँ कोई सुविधा नहीं है ये बहुत परेशान करते हैं वो कहते हैं यहाँ बीओलो के पास जाओ बीओलो के पास जाते हैं तो कहते हैं टेम्पो स्टैंड जाओ तो हम सर किसके पास जाएं एक राशन के चक्कर नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़ के हमें आना पड़ता है यहाँ तो सर आप बताइए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अब हम क्या लेके आते हो आप इनके राशन कार्ड सर राशन के बाद मोबाइल के मैसेज आते हैं मोबाइल में लेके आते हैं तो कहते हैं हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते जो बीएलओ के पास जाओ बीएलओ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप राशन के पास जाओ तो सर मैसेज क्या यूँ झूठे आते हैं कि मोबाइलों में सर नहीं मिला हमें गेहूँ हम यहाँ 9 बजे से परेशान हो रहे हैं यहाँ सर हमें कह रहे हैं कि बीएलओ के पास जाओ हम बीएलओ कहाँ ढूंढने जाएं सर हम बीएलओ के पास गए बीएलओ के पास उन्होंने बोला कि आप टेम्पो स्टैंड जाओ टेम्पो स्टैंड पे आए तो कहते हैं बीएलओ के पास जाओ सर हम यहाँ बीएलओ को कहाँ ढूंढते फिर हम सर हम डेढ़ घंटे से धूप में परेशान हो रहे हैं बच्चों को छोड़ के यहाँ सर रुखसार परवीन ये हमारे हमने रजिस्ट्रेशन कराया था ऑनलाइन पंजीकरण कराया था उसके बाद 12 से 17 तारीख की जो डेट है राशन वितरण की जिसमें 10 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं का है और 2 किलो दाल का है अभी तक हमारे को कोई सुविधा प्रदान नहीं हुई है अखबार वो मैसेज आया है 12 से 17 तारीख तक का लेकिन ये राशन की शॉप पे मना करा जा रहा है कि यहाँ पे कोई राशन वाशन की सुविधा अभी हमारे पास मौजूद नहीं है ये कह रहे हैं हमारे पास आगे से आदेश आया नहीं है अगर इनके पास आगे से आदेश नहीं आया है तो हमारे पास मैसेज कैसे आ गया पब्लिक तो परेशान हो रही है सब इकट्ठे हो गए इनके पास आगे से आदेश नहीं आया हमारे पास मैसेज आ गया है दुकान पर कोई नाम वाम नहीं है कैसे पता चलेगा कि ये राशन की दुकान है कोई दुकान नंबर नहीं है किसी भी शॉपकीपर का नाम नहीं है दुकान का बस ये राशन है कितनी दूर से आप राशन लेने मैं 3 किलोमीटर दूरी से आया हूँ राशन लेने तो कितनी परेशानी सुबह कितने बजे आ गए थे आप सुबह आया हूँ 1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको दुकान मालिक क्या कह रहे दुकान कह रहे हैं अभी हमारे पास ऑर्डर ही नहीं है माल देने का माल तो इनके पास काफ़ी पड़ा है अच्छा क्या नाम है मेरा नाम दुकान इनका विनोद नाम है और राशन की दुकान का दुकान नंबर क्या है दुकान नंबर 168 163 जब आपको ही नहीं पता तो अब नाम ही नहीं है लिखा हुआ दुकान पे किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का है ही नहीं कि सबूत की ये राशन की दुकान कोई कहेगा नहीं बंद होने के बाद की ये राशन की दुकान है आपका नाम बताओ गुलशन वाधवानी जेपी नगर पब्लिक सर हमारे को पब्लिक सर हमें परेशान कर रही है कि ये अपने ऑनलाइन जो कार्ड हुए हैं उनका माल अभी तक हमारे डीलरों के पास पहुंचा नहीं है मैं जेपी नगर मदार सेक्टर 1 विनोद कुमार बदलानी दुकान नंबर 163 से बोल रहा हूं मेरे पास अभी कोई भी लिस्ट भी नहीं आई है और ना कोई जानकारी है इनकी अभी तक तो मैं इनको कहाँ से वितरण करूँ मेरे पास जो APL BPL के जो रेगुलर कस्टमर हैं मैं उनको रेगुलर माल दे रहा हूँ सर यही कहना चाहूँगा और बोलिए आप किस तरीके से ये लोग जो हैं परेशान अब इन लोगों का बात करिए अधिकारी वगैरह आगे किससे बात करिए मैंने सर अभी आगे ना इंस्पेक्टर से बात करी है कलेक्ट्री में उन्होंने कहा है कि आज हम अखबार में छपवाएंगे और ना ज़रूरी नहीं है कि ये डीलर आप ही बांटो ये माल किसको मिलेगा ये पता करके हम आपको बताते हैं तो अभी तक हमें जानकारी मिली नहीं है जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम लिस्ट लगा देंगे यहाँ पर तो पब्लिक परेशान नहीं होगी कितने टाइम से दुकान चला रहे हो आप मेरे को सर 3 साल हो गए 3 साल में अभी नाम लिखवाया नहीं सर दुकान मेरी जो है इधर शिफ्ट कराइए पहले पास में थी वहाँ लिखा हुआ है नाम पढ़ लो आप तो यहाँ फिर कैसे चला रहे हो यहाँ आप सर करीबन इसी महीने से शिफ्ट किया अपन ने ये इसी महीने से शिफ्ट दुकान का नाम नहीं है ना दुकान पे कुछ बोर्ड लगाया हुआ आपने पब्लिक परेशान भी हो रही है सर अभी लोड इतना था लॉकडाउन की वजह से सबकी डबल गेहूँ आ रही है तो आप अभी लोड इतना था सर कि माल अपन उनको डबल डबल माल दे रहे हैं अभी तो अभी अपने को 15 दिन ही हुए हैं इधर शिफ्ट किए हुए दुकान वो आगे अपन ने दे दी है किसी को कस्टमर इतने परेशान हो कोई दुकान पूछ रहा कहाँ है कहाँ नहीं है फिर आपने ना दुकान का नाम लिखाया है ना कोई लिस्ट लगाई है सर इसके लिए तो अब मैं क्षमा चाहता हूँ क्या कह सकता हूँ बाकी ये लगवा देंगे हम ठीक है विनोद कुमार दुकान किसके नाम है विनोद कुमार